हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं को स्वस्थ कैसे रखें। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दहलीज पर जो पशु चिकित्सक है वो कदम न रखे या कम रखे, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपका जो पशु है वह बीमार ही ना होने पाए। देखिए, जो बीमारी है वो क्या है? बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी पशु बीमार हो सकता है, चाहे वो कितना भी खाया पिया पशु हो, चाहे वो कितना मोटा ताजा पशु हो, चाहे कितना पतला पशु हो। तो बीमारी को हम लोग कभी भी रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ हद तक हम बीमारियों कम कर सकते हैं। अब जब हम लोग बीमारियों कम कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम लोग बीमारियों कम कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पशु को कुछ चीज़ें कर लेते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आप कीड़े की दवा समय समय पर दे देते हैं, या हम लोग कहें लीवर टॉनिक समय समय पर देते रहते हैं अपने जानवरों को, या हम लोग कहें कि आप वहाँ पर उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो भी सीरप आ रहे हैं, जिनको हम लोग कई सारे लोग नरवाइनल सीरप कहते हैं, कई सारे लोग नरवाइन सीरप कहते हैं, उनको आप दे सकते हैं। या आपका पशु दूध दे रहा है तो उस हिसाब से आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर बात करना कि हम अपने पशुओं को बीमार होने से कैसे बचाएँ, या पशुपालक भाई हमारे अपने पशुओं को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं, तो हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने पशु को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने पशुओं को कीड़े की दवा देनी है। कीड़े की दवा आपको हमेशा ही अपने डॉक्टर साहब से पूछ के देनी होती है, क्योंकि देखिए कीड़े की जो दवा है अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है तो भी पशु को दिक्कत आती है, डोज कम हो जाती है तो उसका अच्छे से डिवर्मिंग नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु बीमार ना हो तो आपको सबसे पहले कीड़े की दवा देनी है। तो कीड़े की दवा जो देनी है उसमें आप डॉक्टर साहब से अपने मिल करके, उनसे सलाह ले करके आप दवा ले सकते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि देखिए, आज क्या है कि आज ज़माना ऐसा है कि डॉक्टर जो है काफ़ी सारे हैं, मगर अब आपको पहचानना है कि कौन सा डॉक्टर आपको चाहिए। आपको एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, मतलब जो सरकारी डॉक्टर है, या हम लोग कहें जो वैलिड डॉक्टर्स हैं वो चाहिए, कि आपको केवल घुमाने फिराने वाला डॉक्टर चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं, गुमराह भी कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, या हम लोग कहें क्या देखा गया है कि जो पशुवंश है, या हम लोग कहें गोवंश है या महिषी वंश है, मतलब जो जानवर हैं वो कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, भेड़ हो, बकरियां हो, भैंस हो, कोई भी जानवर हो सकता है दोस्तों, उनमें कुत्ता भी हो सकता है, मैं जानवर का मतलब जानवर का यहाँ पर है। तो आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, दिखाते हैं। अगर आपके डॉक्टर साहब पढ़े नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, कैसे पढ़े नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे पशुपालक भाई हैं बहुत ही भोले भाले होते हैं, उनको इतना अनुभव नहीं होता है, वो थोड़ी सी बातों पर आ जाते हैं और अनऑथराइज लोगों को वो डॉक्टर मान लेते हैं। तो मेरा उनसे बस यही निवेदन है कि आपको डॉक्टर भी चुनना है, क्योंकि बीमारियां का इलाज डॉक्टर अच्छे से कर लेते हैं। पता चले आपके पशु को बीमारी है कोई दूसरी, आपने बुलाया अनऑथराइज डॉक्टर, उसने बताया आपके पशु का लीवर फेल हो गया है, अब आपको क्या पता कि लीवर फेल है कि नहीं फेल है, और आप भरोसा करते हैं कि उसको लीवर फेल हो गया है, और आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार की दवाएं चलाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि बच्चे रहने का इन्फेक्शन हो गया है, तो आपने उसी हिसाब से उसकी दवाएं चलाई, मगर क्या एग्जैक्ट वो चीज़ें हैं? तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि हम कैसे समझें कि कौन सरकारी डॉक्टर है या ऑथराइज डॉक्टर है। तो ऑथराइज डॉक्टर को आपको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पास के जो भी पशु चिकित्सालय हैं, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे वो पशुधन प्रसार अधिकारी का कार्यालय हो, या फार्मासिस्ट हो वहाँ पर, आप वहाँ पर जा करके अपना जो प्रॉब्लम है आपकी
आपके पशुओं की, आप उसको शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। भारत सरकार उनको इसी बात का पैसा देती है। आप वहाँ पर जाइए, आप उनसे बात करिए कौन कौन से टीके कब कब लगने हैं, कब कौन से महीने में कौन सा टीका लगेगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, अस्पताल में जाइए, चीज़ें पूछिए, चीज़ों को करवाइए, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें पशुपालक भाइयों के लिए तैयार की हैं, उन स्कीमों में बहुत सारे टीके आते हैं, बहुत सारी मुफ्त दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए ही होती हैं। मगर अगर आप पशुपालन विभाग जहाँ पर है, या हम लोग कहें जो भी हॉस्पिटल्स जहाँ पर हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन आई है या कौन कौन सी दवाएं आई हैं जो आपको मुफ्त मिलने वाली हैं, या हम लोग कहें कि कौन सी दवाएं आपको किस समय देनी चाहिए, या एक समय कौन सी बीमारियों का चल रहा है, या हम लोग कहें इस समय पर कौन सी दवाएं देनी होती हैं। तो अगर आप लगातार पशुपालन विभाग या हम लोग कहें कि पशु चिकित्सालय आप जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, तो आपको कुछ हद तक थोड़ा अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप और चाहते हैं कि आप बार बार हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं या आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे YouTube चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से 3000 घंटे भी हमारे पूरे हो चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं जिनमें से मुख्यतः जो प्रोग्राम है वो पशुओं की जो असमय मृत्यु है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पर जो हमारे पशुपालक भाई हैं, हम लोग उनको वहाँ पर जागरूक करते हैं और हम लोग उनको बताते हैं कि आपको कैसे अपने पशु को बचाना है। या हम लोग दूसरी बात करें कि एज ए रोल ऑफ फार्मासिस्ट मैं वहाँ पर आपको क्या हेल्प कर रहा हूँ, तो एज ए रोल ऑफ फार्मासिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हाँ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, काफ़ी सारे लोग निराश हो जाते हैं और वो अपने पशुओं को कसाईयों के हमें बेच देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रोग्राम और चलाया है सेव द एनिमल्स, और हमारा चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों का जो टीम है वो वर्क कर रही है, क्योंकि कोई भी काम जो व्यापक स्तर पर करना होता है दोस्तों वो एक दिन पे नहीं हो पाता है। उसके लिए काफ़ी फंड इकट्ठा करना पड़ता है और काफ़ी मात्रा में हम लोगों को माथापच्ची करनी पड़ती है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। क्योंकि कोई भी धारावाहिक अगर आपके सामने प्ले हो रहा है तो वो ऐसे ही प्ले नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हम लोग भी उस पर वर्क कर रहे हैं, और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको हमारी कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट का जरिया है वो कमेंट आप हमको यूट्यूब पे कर सकते हैं। आपकी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हम आपको वहाँ पर अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप हमें वो प्रॉब्लम शेयर करिए, हम आपको उसका निजात देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूँ कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल है वेटनरी पर, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ढील डाल देते हैं। तो जो पशुपालक भाई हमारे ढील डाल देते हैं, उस वजह से भी थोड़ा सा उनका पशु जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करें, आप ऐसा काम मत करें जिससे आपका जो पशु है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए या हम लोग कहें उसको दिक्कत हो। तो आप इन सब चीज़ों से भी ऐसे भी बच सकते हैं। थैंक यू दो, थैंक यू।